लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सबको ब्रोकावली, बंदा गोभी, फूल गोभी का ब्रुवा बीज कैसे जमाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका शुरू से लेकर ये उभरने का टाइम तक का नॉलेज मैं यहाँ पर आज आपको दूंगा। इस नॉलेज से कोई भी कृषकों ने ये वीडियो लास्ट तक देखेगा, अंतिम तक देखेगा तो उस आदमी ने कावली, बंदा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकावली का पौधा और साथ ही अन्य खेती का भी पौधा अच्छी तरह से उभार सकता है। दर्शकबिन, आज का जो विषय वस्तु है, हम चलते हैं। पहले हम मिट्टी का तैयार करना है। इस मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से प्लास्टिक का प्रयोग करके इसको तापक्रम देके मैंने इसको ढक लिया और इसमें उस टाइम में मैंने मल भी दे दिया और ऐसे करके अभी मैंने इसको डैंग को रेडी कर रहा हूँ। मल में क्या क्या डालना चाहिए मैं आज आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। यहाँ पर मल डालना चाहिए आपका, को जो कुहरा का मल होता है वो भी डाल सकते हो, गाय वस्तु का मल होता है, गौ का मल होता है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। थोड़ा सा DAP पोटास ये भी डालना पड़ेगा, थोड़ा सा खरानी भी डालना पड़ेगा, जिंक सल्फर आपके पास है वो भी डालना पड़ेगा और थोड़ा सा पीना है, तोरी का जो पीना होता है वो पीना भी आपके पास है तो आप इस मिट्टी में डालना पड़ेगा और इसको ऐसे करके क्लीन करके आप यहाँ पर चक्कू से इसको ऐसे करके मिट्टी को कट कट के इसको महीन बनाना चाहिए और ऐसे करके इस डैंग को रेडी करना चाहिए और मॉल को उस तरीके से अच्छी तरह से इसको यहाँ पर डाल के रेडी करना चाहिए और फाइनल में ऐसे करके डैंग को हम रेडी करना चाहिए और वो सब मल को डाल के वहाँ पर प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढकना चाहिए। 7 दिन तक आपने वहाँ पर तापक्रम क्रिएट करना चाहिए प्लास्टिक से ढक के। और अब हम जाते हैं बीव के संबंधी। ये गिरिराज का बीव है और ये मौसम और ब्रोकावली का ये बीज है। आप वहाँ पर वीडियो रोक के सब कुछ पढ़ सकते हो। ये मौसम है आश्विन महीना में इसका बीज लगा रहा हूँ और ये तराई क्षेत्र चितौन में ही नेपाल के यहाँ पर मैं इसका खेती कर रहा हूँ और ये बीज है और इस बीज को आज हम यहाँ पर लगाने के लिए जा रहे हैं और इस बीज को हम सब बीज को यहाँ पर झाड़ रहे हैं और आपने इस बीज को ऐसे करके अच्छी तरह से बीज को सर्वप्रथम लेना चाहिए और इस बीज में आपको 10 ग्राम होता है और 10 ग्राम के अंदर आपको 2000 से 3000 तक का पौधा आपको हो सकता है। इसमें यहाँ पर अभी 18 से 2024 से का बीज है और ये इसमें 90% उभरता है और हम इसको लगाने के लिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने आज इसमें इस बीज को लगाने के लिए जा रहे हैं और हम ऐसे करके लाइन में भी हम इसको लाइन बना के भी हम इसको लगाते हैं और आपने यहाँ देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ काउंट कर रहा हूँ कितनी जगह में कितना पौधा बनाना है वो हम एक टेक्निकल आइडिया से इसको पत्ता लगाना है जब भी मैं यहाँ पर नाप रहा हूँ और इस जगह में थोड़ा सा जगह में यहाँ पर 20-50-50-50 इस डैंग है। 1 मीटर से थोड़ा सा चौड़ा है और लंबा इसमें 5-6
5 मीटर जितना है। और यहाँ पर मैं नाप रहा हूँ 200 को हिसाब में मैं नाप रहा हूँ। और इसे करके नापने के टाइम में दो पाता जो यहाँ बीज है उस दो पाते का यहाँ पर 3000 बिरुआ के लिए जगह में रेडी कर रहा हूँ। और हम ऐसे करके इसको यहाँ पर ज़मीन रेडी करके इसको एक बार आपने इसको मेजरमेंट करना है और कितने जगह में कितना बाकला और पातला बीज को उबारना है वो आपने मेजरमेंट करना है, इसको डिवाइड करना है। और ऐसे करके रेडी करके हम यहाँ पर कौन कौन जगह में कौन कौन लगाना है इसको अभी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। और हम ऐसे करके लाइन लाइन करके हम इसको छोप भी सकते हैं, एक एक बीज झाड़ भी सकते हैं। आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ दर्शकबिन, आज मैं आपको इस बीज को एक एक लाइन लाइन करके नहीं रख रहा हूँ। आज मैं इसको एक मट्टी में बीज को घोल के और उस बीज को आज मैं यहाँ पर छरने वाला हूँ। आपने ज़मीन का 3 फीट अंदर के ज़मीन का मट्टी को ऐसे करके लेना चाहिए। यहाँ ये 3 फीट अंदर का मट्टी है, ये हम इस मट्टी को लेना चाहिए। और मैं यहाँ एक प्लास्टिक ले रहा हूँ और इस मट्टी को थोड़ा सा 20 ग्राम बीज को मैं यहाँ पर लगभग मैं 50 केजी मट्टी से तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। 20 ग्राम बीज को 50-60 केजी मट्टी को मिला के मैं इसको रेडी करने के लिए जा रहा हूँ। पहले हम ऐसे करके इस मट्टी को यहाँ थोड़ा सा डालते हैं और इसमें बीज डाल के फिर मट्टी डाल के फिर बीज डाल के फिर थोड़ा सा मट्टी डाल के इसको हम बड़ा करते हैं, बड़ा से बड़ा बनाते हैं, बहुत ढेर सारा निर्माण करते हैं। ऐसे कर कर के हमने इसको आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बीज लीजिए और आप इसमें थोड़ा सा छिड़का दीजिए उस बीज को और फिर उसमें मट्टी डालिए और फिर उसको बीज डालिए फिर उसको मट्टी डालिए। और ऐसे करने से आपका यहाँ का घोल बहुत अच्छा होगा और संतुलित मात्रा में ये अच्छी तरह से अनुपातिक रूप में ये वहाँ पर घुलेंगे और हमको इस बीज को लगाने के लिए आसान हो जाएगा। और मैं इस बीज को ऐसे करके अब लास्ट में रेडी कर रहा हूँ और जितना बीज था उसको मैं इतना सारा मट्टी में मिला के अब लास्ट के अंदर में इसको रेडी कर रहा हूँ। रेडी हो गया, अब हम इसको एक बार अच्छी तरह से घोलेंगे। आप देख रहे हो इस बीज को मैं यहाँ पर अभी भी रेडी कर रहा हूँ और मैं आपको आज इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप जो कोई भी बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से अपने आपका जो खेताला है जो और आदमी काम करने का जो लेबर है वो बचा सकते हैं। आपने 2 दिन का काम 1 घंटे में आपने समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, बहुत जल्दी करने का तरीका है और बहुत इस तरीके से बहुत अच्छा भी होगा और बराबर डिस्टेंस में आपको उबर जाएगा। आपको इसको अच्छी तरह से डैंग में मिला के छाना चाहिए और आपने ऐसे करके घोलना चाहिए। और एक बार आपने उसे करके आपने बीज डाल के मट्टी डाल के रेडी किया और उसको इधर उधर करके इसको मिलाना चाहिए, बीज से मट्टी अच्छी तरह से मिलाइए। आप कितने भी संकुचित नहीं होंगे क्योंकि मैं आगे आगे वीडियो अपडेट करूंगा। और आप मैं इसे करके जहां पर मैं बीज लगाया था वहां पर जो उभरता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मट्टी लीजिए इसे करके, आप यहां पर देख रहे हैं मैं यहां पर से मट्टी ले रहा हूं एक बाटा में और इस मट्टी को अब मैं जाके जहां पर मेरा ज़मीन तैयार हुआ था बीज जमाने के लिए वहाँ पर मैं इसको डालूँगा और छिड़का दूँगा। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर इस ज़मीन में मैं आज इसको बीज को लगाने जा रहा हूँ। आप एक बार चेक कीजिए, आपने जो रेडी किया था, जो डैंग को रेडी किया था, वो समथर करके उसको यहाँ वहाँ पर का डल्ला या मिट्टी का जो डल्ला वाला होता है उसको मीन कीजिए, एक बार चेक कीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि एक बार ही आपका चांस, और उसके बाद आप इसको फिर इधर उधर करेंगे तो आपको ये बिगड़ जाएगा। आपने फिनिशिंग में काम करना है, उसको मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से, जो हम रेडी किया था मल डाल के और प्लास्टिक डाल के तापक्रम दे के और उसमें आग भी लगा के जो मिट्टी को तैयार किया था, उस मिट्टी के अंदर आज हम फिर अब ये बीज ऐसे करके लेके इसको एक समान से, हमारे पास क्या है 20 ग्राम बीज का 60-70 केजी मिट्टी है, और उसको हम 5 मीटर स्क्वायर के अंदर लगाना है। तो कितना आसान होगा आपने, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इसी तरह से एक बार उधर जाता हूँ, फिर इधर आता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर इधर आता हूँ, मैं 5-6 बार इसको एक समान रूप से छिड़ता हूँ, और छिड़ने के बाद में ये समान रूप से वहाँ पर उभरता है, समान रूप से वहाँ पर दिखता है, आता है, उभरता है। ये बात है बहुत इम्पोर्टेंट, हम इसको समान रूप से लगा सकते हैं जब आप मिट्टी से इसको बड़ा करते हैं। ऐसे करके एक आपने, आपको ये मिट्टी का फर्क भी आएगा, क्योंकि आपने ज़मीन के अंदर का मिट्टी लिया था, उसका थोड़ा सा रंग कलर सुनताला रंग का होगा, आपका मिट्टी का ज़मीन जैसा है वैसे ही होगा, और थोड़ा सा ऊपर का मिट्टी और अंदर का मिट्टी का कलर भी छूटता है, और आपने कहाँ कहाँ बीज छिड़ दिया। और आप इसको बालुआ में भी कर सकते हैं, जो आपका बालुआ होता है, बालुआ के में भी आप इसको छिड़ के कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छा होगा। जो बालुआ होता है वो बालुआ में लीजिए, और बालुआ में बीज डाल के करिए, और वो बालुआ होता है वो बालुआ का भी प्रयोग करके आपके अपने यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं मिट्टी को बहुत आसान मानूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मिट्टी है मेरे पास, और मिट्टी से भी बहुत अच्छी तरह से बीज को हम कर सकते हैं। और ऐसे करके आपने इस बीज को यहाँ पर, सब बीज को यहाँ पर लगाइए। देखिए आप आगे देखते रहें, मैं इसको समान रूप से यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आप बीज भी देख रहे हैं। यहाँ कैमरा मैन मेरे पास नहीं है, और मैंने एक हाथ में कैमरा लेके और एक हाथ से मैं इसको काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो हिल रहा है, इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं उसको फिनिश किया, फिर एक मट्टी लिया, और मैं इस कावली को मैं लगाने के लिए, फिर ये दो डैंग में इस कावली को लगाने के लिए, फिर मैं आगे जैसे करके मैं ब्रू कावली का बीज तैयार किया था मिट्टी के अंदर, मिट्टी से, उसी तरह से मैं इसको तैयार करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ, उसी तरह से मिट्टी ले रहा हूँ, और दो डैंग में मैं इस मिट्टी को यहाँ पर छिटूंगा, ये दो डैंग में, आगे देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ज्ञान है। और इसको मैं ये बीज को, गिरिराज का ये बीज को यहाँ पर मैं निकाल दिया, और इसमें रेडी करके मैं इसको तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। आगे देखिए इसको मैं रेडी करके समाप्त किया, रेडी किया। अब इस बीज को मैं फिर, जैसे मैं ब्रू कावली का बीज
आगे लगाया था, छीट दिया था, उसे करके इसको छीट के ऐसे करके छीट दिया समान रूप से, बहुत समान रूप से ये उभर जाएगा, आप भी देख सकते हैं। और कितना जल्दी हो गया, आप मैंने इसको आधी घंटे के अंदर में, मैं सिंगल हूँ और मैं आधी घंटे के अंदर में इस बीज को मैं लगा लिया, क्योंकि इस बीज को लगाने के लिए 4-5 घंटा हमका टाइम लगता है, और एक एक लाइन करके एक एक करके बीज झाड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, इस मिट्टी आपने जब ऐसे करके यहाँ पर इसको छीट दिया, और बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या करना चाहिए, फिर आप वही ज़मीन का अंदर का मिट्टी लीजिए और इसको आपने आधी इंच इसको ढाक दीजिए, थोड़ा सा आधी इंच का भी थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिट्टी ने अच्छी तरह का जो मिट्टी है उससे यहाँ पर आप इस बीज को, जो अंदर का मिट्टी होता है आपका ज़मीन का 4 फुट का अंदर का मिट्टी होता है उससे आपने यहाँ पर अच्छी तरह से ढाक दीजिए, क्योंकि जो उसमें कोई तरह का बीज भी नहीं होता है, कोई का फंगीसाइड, कुछ ही चीज़ का फंगीसाइड भी नहीं होता है, और उसका सड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। और आपने जो मिट्टी रेडी किया था आगे दूसरा वाला डैक में उसे भी आप ढाक सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, और इसको ढाकना अनिवार्य चाहिए, और वो ढाकने में आपको 5-10 मिनट इसमें लगेगा, आपका समय भी बचेगा और आपका खेती भी जल्दी होगा और बहुत अच्छी तरह से उभर जाएगा, क्योंकि ये समान रूप से यहाँ पर छीट गया है और इसका जड़ा भी बहुत अच्छी तरह के यहाँ सब यहाँ पर दसेगा, और ये उभरने के लिए भी बहुत अच्छी तरह से उभर जाएगा। इसको मिट्टी से थोड़ा सा ढकना है और इसमें थोड़ा सा आपने पानी भी डालना है, बहुत पानी आपने यहाँ पर डालेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा। आपने पानी कितना डालना है, जितना वहाँ बीज है उतने ही तक आपको ये सिंचित करना है, 1 इंच तक आपने यहाँ पर सिंचित कीजिए और बीज नहीं सड़ेगा। और इसको अच्छी तरह से ऐसे करके हम अच्छी तरह से इसको यहाँ पर छीट दिया, देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैं बीज यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो वहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर मिट्टी का जो बड़े बड़े भाग होते हैं उसको आप मीन कीजिए, और आपने इसको 1/2 इंच मिट्टी से ढकना चाहिए और इसको पानी डालना चाहिए, ऊपर से आपने हमने इसको कपड़ा से भी ढकेंगे। बाज़ार में एक कपड़ा भी मिलता है जो हरा रंग का होता है, उससे हम ढक सकते हैं, और इसको पराल से भी ढक सकते हैं, और इसको ऐसे कपड़ा से भी ढक सकते हैं। आपने थोड़ा सा ढकना क्या चाहिए, आपका प्लास्टिक से ढकना नहीं चाहिए, मेरे को इधर कपड़ा थोड़ा सा नहीं हुआ था, नहीं फूक रहा था, और इसमें मैंने कुछ देर के लिए प्लास्टिक से थोड़ा सा ढक दिया हूँ। प्लास्टिक से ढकेंगे तो बड़ी तापक्रम होगा और बीज सड़ जाएंगे, हम जो थोड़ा सा हवा छिड़ते हैं और उस कपड़ा से हमको ढकना चाहिए। जब भी हम इसको थोड़े से यहाँ पर ढक देंगे तो इसको अंधकार से यहाँ अंधकार मिलेगा, और जो ऊपर ऊपर बीज होता है वो भी अच्छी तरह से उभर जाएगा, और ढकने से थोड़ा सा तापक्रम भी मेंटेन होगा और इसे जल्दी उभर जाएगा और बराबर रूप में उभर जाएगा। कपड़ा से अभी अच्छी तरह से ऐसे करके ढक दिए, और इसको हवा से नहीं उड़ाने के लिए आपने ऊपर से बांस और ऐसा लड़की और लकड़ी का प्रयोग करके अपने इसको दबा सकते हैं। ऐसे करके हम कर सकते हैं। फिर मैं आपको सब कुछ अपडेट करूँगा क्या क्या करना चाहिए, और इसको थोड़ा सा अपने सिंचाई भी कर देना चाहिए। सिंचाई करके ही आपने इसको यहाँ पर ढक दीजिए पानी डाल के, और आपको जहाँ पर थोड़ा सा पतला कपड़ा होगा वहाँ जल्दी उभर जाएगा, थोड़ा सा पतला कपड़ा होगा वहाँ 4-5 घंटे टाइम लेगा।
अब हम इसको एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, फ्रेम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जब हम ऐसे करके शुरू से हम डैंग बना रहे थे और उसके मिट्टी को तैयार कर रहे थे और बीज को तैयार कर रहे थे, छीट दिया और ऊपर से कपड़ा से भी हम ढक दिया और इसको फ्रेम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्षा याम होता है उसमें पानी आता रहता है, वर्षा होता रहता है, वर्षा के कारण से पौधा और बीज को ऊपर ले जाएगा और बगा भी जाएगा और सड़ा भी जाएगा, इसलिए आकाश का जो पानी होता है उसको हम इसमें पड़ना देना गलत होता है, क्योंकि आकाश के जो पानी हो है उसमें थोड़ा सा एसिड भी आएगा और वो फंगिसाइड भी आएगा और वो सहन कर नहीं सकता है, शुरू का जो व्यू उभरता है वो सहन कर नहीं सकता है और पानी बड़ी होगा और हवा पानी होगा तो बीज ढल जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसको बचाव के लिए और बहुत बड़ा धूप आएगा तो इसके ऊपर से हम कोरा कपड़ा को, जो सेता कपड़ा होता है जहाँ से थोड़ा सा लाइट भी अंदर जाता है, हाफ लाइट लाइट भी जाता है और शीतल भी होता है, इस कपड़ा से हमको हमने इसको यहाँ पर ढकना चाहिए। और आपका पतला साड़ी है तो उससे भी काम चलेगा। और ऐसे करके हम फ्रेम यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं और इस फ्रेम के अंदर हम प्लास्टिक डालेंगे, पारदर्शी प्लास्टिक डालेंगे। आपने कभी भी ये गलती नहीं करना है दर्शकबिन, आपने टाट का प्रयोग नहीं करना है, बकला वाला बहुत सारे कपड़ा का प्रयोग नहीं करना है, इसे आप करेंगे जो पारदर्शी बाहिक और प्लास्टिक और करेंगे तो वहाँ पर बिरुआ बीज सौरे का प्रकाश देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो अगला हो जाएगा और अगला होने से वो ढलेगा और ढलने के बाद उसका ढाड़ ने फंगिसाइड पकड़ के वो सड़ जाएगा, इसलिए हमने पौधा को बड़ा बनाना शुरू में नहीं चाहिए, उसको शुरू से ही आपने लाइट देना पड़ेगा, सौर्य का प्रकाश देना पड़ेगा। आपने ऊपर से कभी भी उभरने के बाद आपने कभी भी वो करना नहीं चाहिए। और हम ऐसे करके इसको टाइट करके अच्छे तरह से फ्रेम कर रहे हैं और फ्रेम के लिए आपने क्या कर सकते हैं, जीआई तार का प्रयोग कर सकते हैं, उसको बाइंड करके गोला गोला राउंड में हाफ करके उसको कट करके इसी तरह से फ्रेम बना सकते हैं और फ्रेम में प्लास्टिक भी रख सकते हैं और ऐसे करके हम फ्रेम को तैयार कर सकते हैं। और बीज आप देख लीजिए, वहाँ पर बीज एक दिन हो गया और वो उभरने के लिए रेडी हो रहा है, एक दिन नहीं हुआ, अभी हो गया, मैं बयान में किया था, अब दिवसों का टाइम है, दोपहर का टाइम है और इसमें मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसी करके हमने और ये प्लास्टिक को यहाँ पर भी हम अच्छी तरह से ये जल्दी करने के लिए और नहीं फटेगा और इसको लॉक करने के लिए हमने क्या कर रहे हैं तो इस नेट का हमारे पास तार थे फाइबर का और वहाँ पर वाईफाई का जो तार है आपको फाइबर नेट और इसका तार हमारे पास थे और इसको हम प्रयोग करके इसको यहाँ पर मैं रेडी कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो साइड में हम इसको लगाएंगे तो हमको इसको आगे पीछे और निकालने ढकने के लिए स्वैक करते हैं। और इसको हम कैसे लगाना है, इसको उल्टा करके स्टिच नहीं मारना है, इसको अंदर करके आप स्टिच मारेंगे तो आपका जो पानी होता है वो सीधे ज़मीन में जाएगा और आप ऊपर करके स्टिच करेंगे तो थोड़ा सा इसने लोड लेगा
और आप प्लास्टिक को रस्सी से ऊपर करके कर सकते हैं। आपका पास तार नहीं है तो आप काला रस्सी से भी, वो काला वाला रस्सी से भी आप काम चला सकते हैं, कोई भी रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी करके हम इसको यहाँ पर इसको लग करके इसको स्टिच करके यहाँ पर मैं स्टिच लगा के इसको प्लास्टिक को वार के पार में इस तार को लगा रहा हूँ। अपना आपको एक जिज्ञासा होगा कैसे हम इस प्लास्टिक को जल्दी से लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हम बिरुआ बीज जमाएंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, सब कुछ मिलाने के लिए उतना टाइम भी नहीं होगा, और हम उस टाइम में इस रस्सी को पकड़ेंगे और बहुत जल्दी जल्दी हम इस प्लास्टिक को लगाएंगे पानी आने के बाद, और पानी नहीं आने के टाइम में उसको हम खोलना पड़ेगा, दिन में एक दो बार इसको चलाना पड़ेगा। इसलिए इसको हम सहज करने के लिए ऐसा कर लिया। और हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है पानी। आपने जब भी कोई भी पौधा कोई भी बीज आपने लगाते हैं तो उसके बहुत पास में आपने आपके पास ड्रम है और उस ड्रम में औषधि पानी डालिए, फंगिसाइड का औषधि थोड़ा सा डाल के पानी निर्माण कीजिए। और आपका वो नहीं है तो आपने ऐसे करके थोड़ा सा पोखरी बना के एक कुआ बना के उसमें प्लास्टिक डाल के रेडी कर सकते हैं। और हमारे इस मोटर से यहाँ पर पानी आएगा और यहाँ से ये पानी यहाँ पर जमा होगा और स्लो मोशन में चल के वहाँ पर जाएगा पानी, उस कुएँ में जाएगा, और कुएँ से फिर हम इस खेत में इसको वहाँ से फिर इसमें खेत में एंट्री करेंगे। कौन टाइम में एंट्री करेंगे? जब ये पौधा थोड़ा सा बढ़ते हैं और हमारे सिंचाई करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, उतना आदमी नहीं होता है, तो हम जल्दी करने के लिए पानी सब वहाँ पर जाने देंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा ये भिराला ज़मीन है हमारे पास और उसमें हम फिर काट देंगे पानी को, 2 मिनट वहाँ रोकने देंगे, 2 मिनट के बाद फिर हम सब पानी को वहाँ से निकाल देंगे। और ऐसे करने से हमारा सिंचाई भी बहुत जल्दी होगा। आपका भी ऐसा कोई मिलेगा तो आप ये टेक्निक लगाइए और आपके जैसे सिंचाई करने का व्यवस्था है वैसे ही कीजिए, क्योंकि हमको थोड़े सा लगाने में बहुत सारे पौधा उत्पादन करना है, खेती करना है, आगे बढ़ना है, और हम पौधे को आगे बढ़ के लगाना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं और हम इसे करके इस कुएं को भी तैयार कर लिया और यहाँ पर सब रेडी किया सिंचाई के लिए। और हम यहाँ का पानी को ऑन करेंगे, अभी यहाँ लाइन नहीं है, लाइन आने के बाद हम इसको ऑन करते हैं और पानी आते हैं। अब हमको ये पानी आ गया और यहाँ पर मैं पानी ऑन किया और आ रहा है और इसको मैं रिकॉर्ड किया। इसे करके हम सिंचाई को रेडी करते हैं। और ये फंगिसाइड के लिए ये औषधि का हम प्रयोग करते हैं, इस पानी में डालना चाहिए, ये औषधि आपने डालना चाहिए, जो भी फंगिसाइड का औषधि उसको डालना चाहिए। मैं उस औषधि को यहाँ पर डाल लिया था, आपने वीडियो रोक के देख सकते हैं। थोड़ा सा आपने जो मात्रा है वही डालना चाहिए। और यहाँ पर जो ये बीज है कोई उभर रहा है, कोई उभरने के लिए टाइम ले रहा है, और मैं इस औषधि का प्रयोग करके यहाँ पर मैं डाल दूँगा तो ये सब उभर जाएगा, मुश्किल नहीं है। देख रहे हैं आप, इसको देख रहा हूँ, यहाँ पर पानी भी जमा हो रहा है। और हम ये थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसके अंदर ही हमें पानी डाल देंगे। मैं वो वीडियो भी आपको अपलोड करूँगा। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आपने अब देख लिया, मैं यहाँ पर जो कपड़ा था वो अब मैं इसको निकाल दिया, अब मैं इससे अब यहाँ पर नहीं ढाकूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा उबर गया है। और इसको आज मैं इसको उबर रहा है इसलिए मैं इसको अंधकार कराने के लिए लाइटिंग कपड़ा नहीं डाल रहा हूँ। इसी
थोड़ा सा हाईलाइट कपड़ा से, कलर कपड़ा से भैंस को ढक रहा हूँ, जहाँ से धूप अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरा सा बीज नहीं उभर रहा है, थोड़ा सा बाकी है, इसलिए हम इसको अंधकार कर दिया और उसमें सिंचाई भी कर दिया और इससे अच्छी तरह से ऊपर से ढाक भी दिया। अब यहाँ पर बीज उभरने के लिए कोई उभर रहा है, कोई उभरने के लिए बीज रेडी है। यहाँ पर लाइट नहीं जाएगा और ये अच्छी तरह से उभरेगा, और ये उभरने के बाद आपने इस कपड़ा से कभी भी नहीं ढकना है, आपने कूड़ा से और प्लास्टिक से ही ढकना चाहिए। आपने फिर बहुत प्लास्टिक से बहुत टाइम ढकेंगे धूप में, तो आपका बिरुआ एक भी नहीं बचेगा। और आप में आपने जब भी इस कपड़ा से फिर बिरुआ आगे ढकेंगे तो आपका पौधा अगला अगला होगा और सड़ जाएगा, इसलिए आपने धूप को देखना चाहिए, धूप से बचाने के लिए पारदर्शक कपड़ा का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ से शीतल भी होता है और धूप भी जाता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात यही है, पौधे उत्पादन करने के लिए, बेमौसमी पौधे, मौसमी पौधे उत्पादन जो जिस भी करने के लिए, आपने वहाँ पर पारदर्शी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देना बहुत आवश्यक है। पौधे को बड़ा बनाना नहीं चाहिए, पौधे को छोटा सा होचा बनाना चाहिए, छोटा बनाना चाहिए, लंबा बनाना नहीं चाहिए। लंबा बना न बनाने के लिए आपने, मैंने जो बताया, पारदर्शी कपड़ा से ढाके, लाइट जाने दीजिए और सिंचाई करते रहेंगे, तो आपको उतना ढाकना भी पड़ना नहीं पड़ेगा, जहाँ आपको यहाँ पानी सूखेगा और बिरुआ एक भी नहीं बचेगा। और सिंचाई करते रहना चाहिए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा सिंचाई करते रहना चाहिए, और ऐसे करेंगे तो यहाँ पर अच्छा होगा, आगे होगा अच्छा होगा। ऐसे करके हमने इसके विषय में ज्ञान दिया आपको। और फिर मैं दूसरा दिन में यहाँ पर इस पानी को फिर यहाँ पर ले रहा हूँ, और इसको फिर आज मैं इसको सिंचाई करूँगा। इसमें थोड़ा सा औषधि डाल के फिर आज मैं इसको सिंचाई करूँगा। और ऐसे करके दर्शक बिन हमने काउली, ब्रो काउली, बंदा गोभी, फूल गोभी और कोई भी बीज, कुर्सानी है, मिर्ची है और पेप्सिकम है, इस सभी का, और गोलभेड़ा ही है, इस सभी का बीज हम ऐसे करके तैयार करते हैं। और इसको आज भी हम थोड़ा सा पानी डालें, कितना डालना चाहिए, हाफ इंच पानी, हाफ इंच आपने कितना डालना चाहिए पानी, हाफ इंच ही डालना चाहिए, उससे आगे आओ नहीं डाले प्लीज। बड़ी पानी होगा तो ये बीज अवश्य सड़ जाएंगे। तो क्या मतलब होगा, जब हमारा हम इतना मेहनत करके एक पत्ता का 700 पड़ता है और हम इतना 5-6 हज़ार का बीज इतने में लगाते हैं, तो ये सड़ जाएगा तो हमका क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए संवेदनशील बीज में आपका जो बच्चा है, उस बच्चा के तरह से यहाँ पर संवेदनशील होना चाहिए। बहुत छोटा होता है, धूप से भी मरता है, पानी से भी मरता है, और धूप और पानी का बैलेंस करना ही, और तल अंदर का मिट्टी का बैलेंस करना, उसमें फंगिसाइड ऐसा उसा नहीं आने देना, और उसको अच्छी तरह से पका के, अच्छी तरह से उसको बना के रेडी करके, ये सब कुछ करेंगे तो अच्छा होगा। और इसी करके हम ऊपर से अब हम क्या कर लेंगे, प्लास्टिक से इसको ढक देंगे, क्योंकि अभी रात पड़ने वाला है, रात कम में इसका शीत होता है, पानी आ सकता है, और इसका शीत से भी इसको असर पड़ जाता है, सड़ जाता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको प्लास्टिक से अभी ढक दिया, इसका कपड़ा भी हम निकाल दिया, और ऐसे करके हम बीज को रेडी करते हैं। दर्शक बिन आपने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं लॉजिकल, कृषि का लॉजिकल ज्ञान आपको दूंगा, आपको व्यवसाय बनाने के लिए
आपका अंदर का जो हौसला है, आपका जो अंदर का खूबी है, उसको प्रकट करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ और आपको यहाँ पर ज्ञान देता हूँ। और मैं आपको एक क्रिएटिव, एक कृषक बनाना चाहता हूँ, एक व्यवसायिक बनाना चाहता हूँ। हम कृषि से ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हमारा संगठन होना चाहिए और हमारा कृषि का जो उत्पादन है उसका एक निश्चित रेट होना चाहिए। मौसम अनुसार का, समय अनुसार का सरकार ने उसका रेट करना चाहिए और हमको एक कृषि करने के लिए एक आज्ञा देना चाहिए। एक एरिया में एक कृषि करना चाहिए। सब ने एक ही चीज़ लगाएंगे तो हमारा नहीं बिकेगा और उसको एक मल्टीपल करके हमने चूज करके लगाना चाहिए। और सरकार ने हमको एक निश्चित रेट देना चाहिए और कृषक को राहत, सहूलियत सब कुछ देना चाहिए। और कृषि से ही देश धनी होगा, हम धनी होंगे और हमारा परिवार चलेगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद। जय कृषि।